नमस्कार भाई सब लोगों को रात राधे सभी को हर हर महादेव दोस्तों मैं सोलंकी आपके साथ लाइव जुड़ चुका हूँ थोड़ा सा टेक्निकल आई थोड़ी सी दिक्कत आई होप अभी आपको मेरी आवाज़ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी ठीक है तो एक बार भाई सारे बच्चे जुड़ जाएंगे मेरे साथ लाइव जो अभी तक नहीं आए हैं ठीक है और जितने बच्चे भी ऐसे हैं जो बच्चे अभी तक लाइव नहीं आ जाऊंगे एक बार ठीक है तो यहाँ पर हम लोग तांडव सीरीज शुरू कर रखे थे हम लोगों ने और आप लोगों की क्लास नंबर फाइव है दोस्तों आज पता है वो लोगों को आई आशी सर तो देखो अब देख अभी देखा आप लोगों ने अभी क्लास उतनी ख़त्म की है और भाई मेरे साथ फिर आप क्या आ, आ चुके हैं हासिद सर सर हमारा केवल एक ही सीरीज पॉइंट है यहाँ पर हम अभी बच्चों को यू टेट क्लास करा रहे हैं और यू टेट के जो आपके सी टेट के प्रीवियस क्वेश्चन है वो करा सर, रहे हैं इस स्टैंडअप सीरीज को हम बहुत ही जल्दी फिनिश करके फिर हम सीधे आएंगे अपने यकीन बैच पर वो तो सर बच्चों के ऊपर है जैसे ही सर दस हज़ार सब्सक्राइब हो जाएंगे यकीन बैच शुरू हो जाएगा

ठीक है ना सर ये आगे जैसे टटड़ड़ा करके ये आ रहा है अब जैसे ये आपकी क्लास चल रही है दे सर यहाँ पर सब्सक्राइब करोगे आप जैसे ये आपकी क्लास चल रही है सर नहीं चैट में दिखा दें कहाँ आ रही है हम्म सबसे टॉप पर आ रहा होगा ये देखो आप बड़ा सब को दिखाई दे रहा है तो जिसने नहीं करा क्योंकि सर बहुत जल्दी टीचर अड्डा पे क्लास हम बंद कर देंगे हाँ भाई दो जो बच्चे भी ऐसे हैं जो अभी भी टीचर अड्डा की क्लास ले रहे हैं हमारी अगर तो वो बच्चे टेटा अड्डा पर ही आकर के सब्सक्राइब करके आ जाओ वहां पर वहीं पर क्लासेस मिलेंगी आपको तो मेरी सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है जो भी हमारे टीचर अड्डा पर क्लास ले रहे हैं वो एक बार देख लीजिए कि आपकी क्लास जो है टेटा अड्डा पे चल रही है और टीचर सड्डा पर है बहुत बच्चों को नहीं पता होता नहीं ठीक है तो आप लोग टीचर अड्डा पर हैं तो कहाँ आ जाएंगे सीधे

ये देखे हो आप तो ये इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा अब सर यहाँ पे बहुत ही अच्छा आज एक अप्रैल है फूल जो है डे भी मना देते हैं बहुत से लोग पर आप मत भाइये बातों में आइए किसी का देखो आप में कितनी भी ठीक है प्रतिभा क्यों न हो आप में कितनी भी प्रतिभा क्यों न हो प्रयास और अभ्यास के बिना सब व्यर्थ है यानी दोस्तों अगर आप प्रयास ही नहीं कर रहे हैं उस लेवल का ठीक है अगर आपका प्रयास ही नहीं है दोस्तों और ना ही अभ्यास कर रहे हो आप तो सब बेकार है बनी रहे प्रतिभा आपकी ठीक है दोस्तों आपको प्रयास करना पड़ेगा प्रयास क्या है अभी हम आप लोगों के लिए एक बैच शुरू कर रहे हैं ये हमारा प्रयास है अभ्यास आप करोगे प्रैक्टिस आप करोगे तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी ये हमारी गारंटी है ठीक है भाई <laughs> दोस्तों आगे बढ़ जाते हैं हम लोग यहाँ पर यह सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग यकीन बैच हमारा आ रहा है कितने पर दोस्तों बता दूँ आपको दस ठीक है टेन के सब्सक्राइबर हमारे होते ही हम सीधा ये बैच शुरू कर देंगे आपके यहाँ पर पूरा इसका टाइम टेबल बता देंगे कि भाई किस टाइम पर शुरू हो रहा है ये और क्या क्या इसका शेड्यूल रहेगा यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री रहेगा कोई चार्ज नहीं है इसका दूसरा इस क्यों बेटा हमें क्या करना है यूट्यूब पर क्रांति लेके आनी है इसलिए है हमारा टाटा टा टू फोर सेवन खोलने का या ओपन चैनल को ओपन करने का हमारा ही मकसद है टी जी सर्टा ऑलरेडी चैनल चल रहा था हमारा लेकिन फिर भी हमने ये चैनल क्यों बनाया आप लोगों के लिए कि जहाँ पर हम आपको जो है एक अच्छे इस्पे स्पेस के साथ YouTube पर क्लासेस दे सकें जिससे जो बच्चा ऐसा है हमारा जो बच्चा हमसे नहीं ज्वाइन कर पा रहा किसी तरीके से कोई बच्चा को दिक्कत आ रही है फिजिक की दिक्कत आ रही है कोई बच्चा जो है टेट सी टेट क्वालिफाई होना नहीं रहेगा ये हमारा प्रण है दोस्तों संकल्प ले लिया भाई हमने तो बिल्कुल अब भाई यहाँ पर आता है यू पी टेट दो का प्रीवियस पेपर किस तरह से क्वेश्चन आते हैं आप देख ही सकते हो यहाँ पर अब ठीक है सी के भी आपको यहाँ पर क्वेश्चन मिलेंगे और यू के भी दोनों को मिलेंगे तो भाई देखो यहाँ पे देखेंगे हम लोग ये आपका डट डट टू फोर सेवन का एप्लीकेशन है दोस्तों इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा इससे फायदा ये मिलेगा आप लोगों को कि इसके अंदर करंट अफेयर्स सब्जेक्ट वाइज को किसी को मैथ का किसी को ईवीएस का किसी का हिंदी का ध दस क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा धस दस क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ मिल जाएगा तो भी यहाँ से आप उसे कर सकते हो ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं और भाई ये कोई झूठ नहीं है कोई ऐसा नहीं मिलेगा सर आप, हम, आपने बोल दिया और आपने सर पढ़ाया नहीं हमें हमें बैच हम आपको ये वायदा करते हैं ये हमारा संकल्प दोस्तों कि हम ये बैच लेके आएंगे और यूट्यूब पर ही पढ़ाएंगे आपको प्रॉपर सीक्वेंस वाइज प्रॉपर पी के साथ प्रॉपर नोट्स के साथ ठीक है यहां पे बात करते हैं हम लोग प्लेग क्या है पॉइंट ये आता है दोस्तों आपको यहां पर क्या है प्लेग तो भाई विषाणु जनित बीमारी है या कवक जनित बीमारी है या जीवाणु से होने वाली बीमारी है या दोस्तों खनिज जनित बीमारी है कौन सी बीमारी है प्लेग किससे होती है यह क्वेश्चन पूछा गया है आपका यहाँ पर बताइए भाई आपका जो बच्चे अभी तक मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन सभी का भाई स्वागत है और सारे बच्चे फटाफट से बताएंगे पर इसका आंसर क्या बनेगा ये एक क्वेश्चन आप लोगों को कराऊंगा सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं आप देख चुके होंगे ठीक है जो बच्चे अभी ऐसे हैं जो बाद में जुड़े हैं कोई दिक्कत नहीं है लेकिन वो सारे जुड़ करके सेशन को भाई शेयर कर देना अगर हो सके तो ठीक है बाकी आपकी ऊपर करेगा डिपेंड करेगा तो दोस्तों यहां पर देख रहा हूं मैं यहां पर देखो यकीन रखना सीखो सब तो सारी दुनिया करती है क्या बात है कन्हैया जी बहुत बढ़िया तो दोस्तों यहां पे देखेंगे हम लोग आंसर क्या बनेगा भाई जीवाणु से होने वाली बीमारी है ठीक है प्लेग जो है वो कैसी बीमारी है जीवाणु से होने वाली बीमारी है और दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जब भी हम प्लेग की बात करते हैं तो यहाँ पर एक जीवाणु होता है दोस्तों कौन सा जीवाणु है जिस जीवाणु की वजह से ये बीमारी फैलती है अगर किसी को नाम पता है तो वो मुझे यहाँ पर नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकता है ठीक है जुलाई आपके देखो सी टेट के जो जुलाई का आपका पेपर होने वाला है उसके रिगार्डिंग कुछ अपडेट है हमारे पास उसको मैं अभी डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ ठीक है बहुत जल्दी आप लोगों को बता देंगे हम लोग यहाँ पे देखिए दोस्तों आंसर क्या बनेगा यहाँ पर तो सी बन गया और उसका नाम जो है वो नाम दोस्तों क्या है कौन सा बीमार है आपका देखो ये रहा ये रहा पोस्टे पेस्टिस पै, ये एक संक्रमण इन्फेक्शन रोग है और पोस्ट यूरेला आपका क्या है पैप्टिस जो है इस बीमारी बीमारु का नाम है और इससे मानव के फेफड़ों को प्रभावित करता है ये भी पूछा जा सकता है कि प्लेग से कौन से मानव अंग क्या होते हैं प्रभावित होते हैं इफ़ेक्ट होते हैं दोस्तों तो वो मानव के फेफड़े लंग्स होते हैं ठीक है इसके अन्य नाम की अगर बात करें दोस्तों ब्लैक डेथ टाउन पेस्ट भी है ठीक है और ये अगर देखा जाए तो आदमी को ये रोग जो है प्रत्यक्ष दंस से लगता है चूहा होता है ना उस चूहे के दांत से काटने से ये आपको क्या होता है रोग लगता है इसलिए इसको प्लेग बीमारी कहा जाता है ठीक है ये लिखा हुआ देखो चूहा जो है प्लेग रोग का बाहक है ये भी लिख दिया यहाँ पर तो ये जो मैं आपको बाद में एक्सप्लेनेशन कराता हूं ना ये आप जरूर लिख लिया करो क्योंकि इससे आपको प्रॉपर जो है एक अच्छे तरीके नोट्स बन जाते हैं आपके ठीक है इसकी पीडीएफ में आपको शेयर कर दूंगा ध्यान रखिएगा ठीक आगे बढ़ते हैं तो तो चीन में कोरोना के बाद एक बीमारी आपकी क्यूबोनिक प्लेग इसे काली मौत भी कहते हैं ये काफी चली थी बहुत बड़ी महामारी थी वैसा ये भी आपकी ठीक है चलिए वेरी गुड गैसीय अपशिष्ट है बताइए भाई इसमें से कौन सा आपका गैसियस वेस्ट है याद होगा पॉल्यूशन वाला टॉपिक मैंने पढ़ाया था वहां पर मैंने सारे पॉइंट आपके डिस्कस किए थे कराए थे ठीक है तो सर तो जाने के कोई भी दिक्कत आए ना बस आप लोग अपनी कमेंट करिएगा उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम देंगे और बी पॉजिटिव होकर के अपने साथ ये काम करना है और तैयारी करनी है हमारे साथ ठीक है भाई नोट्स बना रहे हो ना सभी नोट्स बना रहे ध्यान रखिएगा तो तो गैसी अपशिष्ट क्या है सब्जी और फलों के छिलके ना सब्जी और फलों के छिलके जो होते हैं जो हम लोग घर से निकालते हैं वो आपके ठोस अपशिष्ट में आ जाएंगे घरों की नालियों और गंदा पानी अगर घरों की नालियों से गंदा पानी फेंक रहे हो तो वो क्या है लिक्विड वेस्ट में आ जाएगा और दोस्तों खेल खलिहानों से निकलने वाला कचरा या फिर लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं तो देखो गैस के फॉर्म में जो धुआं होगा वो क्या होगा दोस्तों हमारा वो आपका गैस ही अपशिष्ट होगा इसलिए यहाँ पर आंसर क्या बन जाएगा भाई आपका डी इज द राइट आंसर बन जाएगा लगा दीजिए फटाफट से डी इज द राइट आंसर ठीक है पॉइंट क्लियर यहां तक यहां पर डी क्या होगा भाई राइट right आंसर बन जाएगा वेरी गुड आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों गैसी अपशिष्ट वे पदार्थ होते हैं जो किसी अन्य पदार्थ के अपशिष्ट वेस्ट होते हैं और गैसी रूप में होते हैं धुआं होता है सर आपका अगर आप लकड़ी जला रहे हो तो क्या होता है उसे धुआं होता है वो धुआं जो है आपके वातावरण के अंदर फैल जाता है और वो गैस के फॉर्म में जो अन्य गैसें हैं वातावरण के अंदर ऑक्सीजन नाइट्रोजन उनसे मिल करके पॉल्यूशन फैलाता है ठीक है तो यहाँ पर यही यहीप हुआ है कि भाई अगर इसमें पर्यावरण से क्या होगा प्रदूषित तो होगा जो मुख्यतः वायु प्रदूषण का कारण बनता है और गैसी अपशिष्ट कौन कौन से दोस्तों जैसे लकड़ी कोयले से जलने वाला धुआं औद्योगिक क्षेत्रों में चिमनियों से निकलने वाला धुआं जंगली जंगलों में आग लगने से निकलने वाला धुआं रिफाइनरी में जो धुआं निकलता रहता है आग लगती है वो वाला धुआं जो है जैसे देखोगे आप तो इस तरह से कितना भयंकर भट्टे जो होते हैं ईंट भट्टे जो होते हैं उनसे इस तरह से धुआं निकलता है भाई साहब देखा होगा ईंट पकते हुए देखा है आप लोगों ने वो जो धुआं होता है वो कहाँ फैल रहा है दोस्तों हमारे इस वातावरण के अंदर और इसी वजह से ये जो पॉल्यून होगा वो पॉल्यूशन क्या कहलाएगा भाई आपका एयर पॉल्यूशन कहलाएगा ठीक है क्लियर पॉइंट जानता है दोस्तों समझ में आ रही है बात देखो सबसे मैं कहना चाहूंगा दोस्तों जो बच्चे भी ऐसे हैं जो अभी तक टीचर अड्डा पर क्लास ले रहे हैं हम उससे कहेंगे भाई टेटा अड्डा पर सारे बच्चे आ जाओ लाइव ठीक है कुछ दिनों में वहां से मेरी क्लास बंद होने वाली है आशीष सर की बंद होने वाली है तो टेटा अड्डा टू फोर सेवन पर आप सब्सक्राइब करके उस चैनल पर ही लाइव आया करो ठीक है जो बच्चों को नहीं पता है मैं उनको बता रहा हूँ ठीक है तो जिससे कि आपका भी फोकस रहे एक माइंड और आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को आप लोग चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ इनमें से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे ये पूछा गया है भाई कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होते हैं तो भाई देखो दूर दूर प्रसारित होने मतलब ये है कि यार आप बौजों आपका जो होते हैं ना पौधे जो होते हैं वो अपना प्रक्रण करते हैं अब वो जीवाणु के द्वारा या फिर बीज द्वारा या फल के द्वारा या काय जनन द्वारा ठीक है तो दोस्तों किस तरीके से विच द फॉलोइंग प्लांट विल स्प्रेड फार एंड वाइड तो उसमें पूछा गया है कौन सा आंसर बनेगा आपका यहां पर काजल गुप्ता कमेंट दिख रहा है आपका ठीक है यस सर बिल्कुल तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखिएगा लेना फल फल द्वारा प्रकृत पौधे जो होते हैं वो दूर दूर क्या होते हैं आपके तो होते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर ठीक है भाई आगे बढ़ते हैं जब एक जीव को लाभ होता है बगैर सहजीवी जीव को प्रभावित किए हुए तो वो क्या कहलाता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में आया हुआ है और मैं फिर कहना चाहूँगा दोस्तों पढ़ने को ई बहुत बड़ा सब्जेक्ट है भाई जिसमें आपको एस पढ़ लो आप साइंस पढ़ लो लेकिन दोस्तों पढ़ना क्या है वो सबसे बड़ा मैटर करता है और जिस बच्चे को भी तीस में से तीस नंबर लेके आने हैं भाई ई के अंदर तो दोस्तों वो प्रॉपर एक एक कॉन्टेंट एक एक क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर क्लियर होगा मेरे साथ रोज़ में एक बजे टेट अड्डा टू फोर सेवन पर आप लोगों के लिए क्लास लेके आता हूँ क्या चैनल हमारा टयट अड्डा तो भाई एक ऐसा जीव जो किसी दूसरे को बिना नुकसान पहुंचाए अगर उससे अपना फायदा कर रहा है तो वो संबंध क्या कहलाएगा अब आप लोग पर जीबी कहलाएगा तो परजीवी में क्या हो जाएगा दोस्तों वहां तो हम दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं अपना फायदा करते हैं वो होता है परजीवी लेकिन ये तो होगा नहीं हाँ सह या फिर सहजीवी तो यहाँ पे वर्ड क्या होता है उसको हो जाएगा सहजीवी वर्ड हमारा यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग यूज करेंगे जो सही वर्ड होगा यूज आपका ठीक है हालांकि इसको सहबोजी भी कह सकते हैं लेकिन सहजी भी हमारा यहाँ पर वर्ड होगा या सहबोजी कह लो आप ठीक है ये भी बन सकता है तो सहबोजी कहीं लगा मिलेगा आप लोगों को ठीक है ये देखिए आप इस तरीके से यहाँ पर ये जो मछलियाँ हैं इसके साथ इसके ऊपर जो है आराम से अपना जीवन यापन कर लेती हैं इससे क्या होता है इस मछली को नुकसान नहीं पहुंचता और इनका काम हो जाता है ऐसे ही बगुला जब भैंस पर बैठता है तो बगुला जो होता है वो भैंस की बहुत सारी कीड़े मकोड़े खा लेता है जिससे उस भैंस को या उस पशु को या उस जानवर को क्या हो रही होती है प्रॉब्लम हो रही होती है तो ऐसा अगर हो रहा है जिससे उस बगुले का तो पेट भर गया और जो बहस थी या जो जीव था उसके वो कीड़े हट गए तो ऐसा रिलेशन क्या कहलाता है आपका सहजीवी कहलाता है ठीक है सोलानी क्लियर है बेटा दया कुमार सागर पिया भारती और ध्यान रखना भाई मुझे यहाँ पर जो है टेट अड्डा टू फोर सेवन वाले कमेंट दिख रहे हैं बच्चों टीचर्स वाले बच्चों के कमेंट मुझे नहीं दिख रहे हैं तो मैं उसलिए इसलिए कहना चाहूंगा कि वो बच्चे सीधे टेट अड्डा पर ही लॉगिन कर लें अभी कर लें सारे बच्चे ठीक है अभी भी आगे कर सकते हो आप ठीक है वहाँ पर लाइव आ जाओ टेट अड्डा पर यूट्यूब से स्विच करके अपने आप को ठीक है जल्दी से आ जाओ फटाफट आगे बढ़ते हैं दोस्तों जब मोर शाम को खाता है शाम कीड़ों को खाता है और कीड़े हर पौधे को खाए हैं तो भाई मोर का जो पोषण स्थल है वो क्या होगा मतलब लेवल पूछा है आपसा ठीक है यहाँ पर हमारे प्रोड्यूसर यहाँ पर हमारे क्या है उच्च प्राथमिक उपभोक्ता फिर यहाँ पर क्या है द्वितीय उपभोक्ता तो देखो यहाँ पे क्या है जब मोर सांप को खा खाता है अब सांप यहाँ पे था मोर यहाँ पर था ठीक है और सांप क्या कर रहा है कीड़ों को खा रहा है यहाँ पर कीड़े थे मान लो मान लेते हैं और कीड़े पौधों को खा रहे हैं तो जो मोर है वो उसका पोषण स्थल क्या हो जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता अंतिम अपघटक या फिर प्राथमिक अपघटक या खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर होगा वो तो दोस्तों आप देखेंगे कि जो मोर है वो कहां पर है खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर ही है इसलिए यहां पर क्या आंसर बन जाएगा आपका जो है लगा लीजिए डी इज द राइट आंसर तो प्रतिभा ने डी लगाया है बहुत बढ़िया सबसे पहले मुझे आंसर दिया वेल डन ठीक है सर जी कमेंट दिख रही है क्या बताओ नहीं दिख रही कमेंट लोकेशन आपको कमेंट यहां दिखेंगी ना टैट अड्डा पे दिखेगी कमेंट मेरे को टेट -टे अड्डा पर आप लोग आ जाए हो जिससे आपके मुझे कमेंट प्रॉपर दिखे वहां नहीं देख पा रहा हूं मैं टीचर अड्डा पर ठीक है तो भाई यहां पे देखिए ये रहा ऑप्शन आपका डी डी इज द राइट आंसर ठीक है यहां मोर हो गया सांप कीड़ा हरे पौधे ये लेवल है आपके तो दोस्तों उत्पादक जो होते हैं वो कौन होते हैं होगा। से कौन सा सेल का है? देखो दोस्तों है चट्टानों वाला क्वेश्चन है ठीक है और जियोग्राफी में हम ये टॉपिक पढ़ते हैं खासकर एसएसटी के अंदर और मैंने भी आप लोगों को पढ़ाया है और फिर मैं आपको एक बार दोबारा पढ़ा दूंगा इसको

ठीक है ललिता कुकिंग संजू चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई सी इज द राइट आंसर वेल्डन सिक्स का सी लगाया है और दोस्तों सी बिल्कुल सही है संगमरमर देखोगे दोस्तों आप लोगों को तो जो ताजमहल है है ना वो ताजमहल किसका बना हुआ है भाई संगमरमर का ही बना हुआ है देखा हो आप लोगों ने ठीक है तो एक ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप क्या होता है मैग्मा बाहर निकलता है जैसे मान लो कोई ज्वालामुखी होती है ना तो ज्वालामुखी फटने से क्या होता है मैग्मा बाहर निकलता है है ना अब मैग्मा जो है बाहर निकले गया पृथ्वी से तो वो लावा बन जाता है और लावा से क्या होता है सबसे पहले आपकी जो आघेन चट्टाने होती हैं ठीक है कौन सी इग्नियस रॉक उन आघेन चट्टानों का निर्माण होता है और आघेन चट्टानों से, से फिर क्या होता है यहाँ पर रूपांतरित चट्टाने बनती हैं ठीक है और इस रूपांतरित चट्टानों के कारण क्या होता है चूना पत्थर संगमरमर ठीक है मैं क्या होता है परिवर्तित हो जाता है तो यहां पर जो है हमारा संगमन क्या है इसका एग्जाम्पल होगा बेस्ट लगा लीजिए से। भाई सी के लिए भी है। मैं फिर कह रहा हूं ये क्लास सी और यूपीटेट दोनों के लिए है और भाई कोई बच्चा ऐसा कंफ्यूज मत होइए सी टेट के अंदर दोस्तों अब आपका यूपी टेट का एस सी आर टी देखो ऐसे समझो इसको सी टेट के अंदर हो क्या रहा है अब अगर आप सी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो सी टेट के अंदर आप लोगों को एस सी ई आर टी ठीक है जो पहले आपका यू टेट में से पेपर आता है वो वाला सिलेबस और एन सी ई आर टी ठीक है ये भी सिलेबस दोनों आपको क्या करने पड़ेंगे दोस्तों पढ़ने पड़ेंगे तो ये जो पॉइंट आपसे पूछा गया है ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि सी टेट में आप लोगों के ई वी एस में भी तीस में तीस नंबर आए दोस्तों तो आपको अब SCRT को भी पढ़ना पड़ेगा बस ये रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से ठीक है मार्बल क्लियर है गुंजन क्लियर है दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं महासागरों में से कौन सा लवड़ सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है सी टेट का इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैग्नीशियम सल्फेट होता है कैल्शियम सल्फेट होता है मैग्नीशियम क्लोराइड होगा या फिर सोडियम क्लोराइड होगा बताइए भाई क्या आंसर बनेगा आपका यहां पर दिख रहा है क्या हाँ आपका रिप्लाई दिख रहा है दोस्तों रिप्लाई रिप्लाई दिख रहा है टेट अड्डा पर मुझे कमेंट दिख रही है अगर मैं नाम भी नहीं ले पा रहा हूँ तो कंफ्यूज होता होना लेकिन दोस्तों जो टीचर बच्चे हैं हमारे वो उनकी कमेंट नहीं दिख रही है मेरे को तो वो आ जाइए इधर इस साइड में ट्डा पे आ जाओ वो सारे बच्चे ठीक है तो दोस्तों यहाँ पे क्या बनेगा आंसर मैग्नीशियम सल्फेट होगा या कैल्शियम सल्फेट है दोस्तों लगा लो भाई जब भी हम लवड़ की बात करते हैं दोस्तों तो एन ये नाम आता है और एन क्या होता है सोडियम क्लोराइड होता है तो दोस्तों यहाँ पे क्या बन जाएगा ऑप्शन डी बन जाएगा ठीक है तो डी लगा लीजिए ये रहा महासागरों में सोडियम क्लोराइड एन ए लवड़ जो होता है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है एस में सोडियम क्लोराइड की मात्रा कितनी पैंतीस ग्राम प्रति लीटर होती है ठीक है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई डी इज़ द राइट आंसर हम जो नमक खाते हैं ना वो सोडियम क्लोराइड ही होता है दोस्तों उसमें आयोडीन मिला होता है इसलिए वो हमारे खाने योग्य बन जाता है तो उसका फॉर्मूला क्या है एन ए सी एल ठीक है क्लियर पॉइंट चलिए आगे बढ़ते हैं ये देखिए सोडियम क्लोराइड ये रहा आपका नमक कम है नमक ज्यादा हो गया जो घर में अपने यूज करते हो वो क्या होता है सोडियम क्लोराइड होता है ठीक है सोनम सिंह मोहम्मद नजीर आलम क्लियर है भाई नाम लेने की क्लास लगाऊंगा तुम लोगों की टेंशन मन लो किसी दिन में राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है भाई ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका यहाँ पर उपराष्ट्रपति होगा राष्ट्रपति है प्रधानमंत्री है या भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है जो भारत के अंदर सभी राज्यसभाओं की क्या करता है राज्यसभा की सदस्य सभाओं का अध्यक्ष करता है तो देखो हम जानते हैं हमारे संसद अब भारत देश के अंदर दो लोकसभा सब, दो सभाएं हैं एक लोकसभा एक राज्यसभा लोकसभा ऐसे जैसे जिसे विघटित किया जा सकता है लेकिन राज्यसभा ऐसी होती है दोस्तों जिसको विघटित नहीं किया जा सकता और ये जो लोकसभा है हमारी समय चल रही है वो सत्रहवीं है और अगर हम राज्यसभा की दोस्तों तो उसकी कोई भी लोकसभा का ईयर नहीं आता तो क्योंकि उसमें हर दो साल बाद जो उसके सदस्य होते हैं वो क्या होते हैं रिटायर होते रहते हैं ठीक है तो इसलिए यहां यहां पर पर जो आंसर आंसर बनेगा बनेगा वो पूछना है आपसे क्या बताइए फटाफट से यहां बता रहे राष्ट्रपति बता रहे मेरे पास ए आंसर आ रहा है बच्चों का तो बच्चे बी लगा रहे हैं ठीक है तो पे क्या आंसर बनेगा ए होगा बी बनेगा या सी बनेगा तो भाई लगा लो फटाफट से उपराष्ट्रपति क्या हो जाएगा आंसर ये लगा लेंगे हम लोग यहाँ पर उपराष्ट्रपति तो ये आंसर देखो ये रहा भारत के राज्य में लोकतंत्र की सबसे प्रतिनिधि सभा है ये ढाई सदस्य हैं इसके अंदर बारह सदस्य मनोनीत राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं और दो सदस्यों का चुनाव होता है राज्यसभा में प्रत्येक छह वर्ष के लिए क्या होते हैं दोस्तों जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल छह वर्ष का होता है जबकि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल पांच वर्ष होता है इसमें से एक तिहाई सदस्य सा, दो साल में क्या होते हैं रिटायर होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं दोस्तों ठीक है आई होप क्लियर होगा और सभापति का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों पांच वर्ष का होता है ठीक है तो ये एक पॉइंट था मैंने बता दिया आप लोगों को पॉलिटी पर बेस्ड क्वेश्चन आपका खासकर यूपी डेट में पूछा जाता है ठीक है भाई अच्छा इस समय कौन है उपराष्ट्रपति जरा एक बार कमेंट करके बताना बच्चों मेरे को राघवेंद्र किरण यादव जो बच्चे भी ऐसे हैं वो एक बार क्या करेंगे कमेंट करके बताएंगे आगे बढ़ते दोस्तों यहां पर ये क्वेश्चन नेक्स्ट बताई थी निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है दोस्तों काली मिट्टी है जलोड़ मिट्टी है लाल मिट्टी है बुलई मिट्टी है कौन सी मिट्टी का विस्तार जो है सर्वाधिक क्षेत्र पर है तो सबसे ज्यादा आपको क्या लगता है कौन सी मिट्टी का विस्तार है भाई दोस्तों मेरे पास आंसर आना शुरू हो रहा है यहाँ पर सोनाली जी दे दिया है ठीक है तो दोस्तों यहां पर आंसर क्या बनेगा आपका जितना कमेंट दिख रही है गए, कमेंट दिख रही है ठीक है दोस्तों लगा लो भाई आंसर देखो एक्चुअली में क्या है पर्वत जो है ना उन पर्वतों से जो नदियां आ रही है नदियां बहकर के आ रही है वो उस मिट्टी को बहाकर के लेके आती है अपने साथ जिसे हम कहते हैं जलोड़ी मिट्टी ठीक है, है और ये नवीनता मिट्टी भी कहलाती है नवीन मिट्टी भी कहलाती है और यही सबसे ज़्यादा मिट्टी उपजाऊ होती है और इसी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है जब भी हम बात करते हैं सिलमंडल मंडल की तो सबसे ज़्यादा विस्तार जो दोस्तों किसका है वो जलोड़ मिट्टी का है काली मिट्टी देखने को मिलती है दोस्तों आपकी किससे जो लावा से बनती है ज्वालामुखी के द्वारा फूटे गए मैग्मा से बाहर निकलने से जो लावा निकलता है उससे काली मिट्टी मिलती है इसे हम लोग कपास मिट्टी भी कह सकते हैं और जो है इसमें गन्ना खासकर की काफ़ी अच्छे तरीके से और कपास की अच्छी खासी खेती भी देखने को मिलती है ठीक है भाई आगे बढ़ते हैं तो देखो यहाँ पर ये यह पॉइंट आ गया ऑप्शन बी भारत के सर्वाधिक क्षेत्रों में जलोड़ मिट्टी का विस्तार है और भारत के भूभाग के लगभग 40 से 50 भाग पर जलद मिट्टी जो पाई जाती है जिसे जलोड़ मिट्टी कह सकते हैं हम लोग जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से होता है जो मैं आप सभी कह रहा था और इन मिट्टी में फास्फोरस अम्ल चूना और कार्बनिक तत्वों की अधिकता होती है ठीक है और इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी पाई जाती है तो क्या करते हैं दोस्तों हम लोग नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए हम अपनी खेती जब करते हैं तो वहां पर यूरिया का इस्तेमाल किया जाता है और यह मिट्टी कृषि के लिए सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है यह मैं आपसे पहले भी कहा था कि भाई अगर सबसे ज्यादा अच्छी मिट्टी उपजाऊ है खेती के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो कौन सी है वो है जलोढ़ मिट्टी ठीक है क्लियर पॉइंट चलिए आगे बढ़ते हैं यहां पर जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं वो कौन से स्टेप में आएंगे यानी कि जंतु कैसे दोस्तों शाकाहारी हैं और डिपेंड किस समय है वो हरे पड़े पेड़ पौधों पर तो वो प्रथम चरण उपभोक्ता है द्वितीय चरण है या तृतीय चरण है क्या आंसर बनेगा बताइए भाई ऑप्शन ए बनेगा बी बनेगा या सी बनेगा जल्दी बताइए फटाफट से प्रियांशी यादव चलिए वेरी गुड खुशबू रानी अनु अंशमिका भी बता रही हैं मुझे ये बता रहे हैं देखो भाई यहां पर ध्यान रखना प्रथम चरण उपभोक्ता ये कैसे होंगे दोस्तों साकारी होंगे बिल्कुल सही बात है ये साकारी हैं तो ये कैसे होंगे मांसाहारी ये तो और भी उच्च स्तर के मांसाहारी हो जाएंगे ठीक है तो यहां पे क्या बनेगा आंसर आपका ए बन जाएगा प्रथम चरण उपभोक्ता प्राइमरी कंज्यूमर जो होते हैं वो हो जाएंगे आपके यहां पर ठीक है लगा लिया फटाफट से आंसर चलिए वेरी गुड आगे बढ़ते हैं दोस्तों तो ये ऑप्शन ए बन गया यहां पर दोस्तों फिर मैं कहना चाहूंगा जितने बच्चे भी हमारे साथ लाइव हैं एक बार सेशन को अगर अच्छा लग रहा हो आप लोगों को तो कमेंट करिएगा मैं देख रहा हूं कमेंट नहीं कर रहे हैं बहुत से बच्चे अभी भी यहां पर ठीक है मात्र मैं देख रहा हूं भाई दो बच्चों की कमेंट आ रखी है सारे बच्चे कमेंट करें आगे बढ़ते हैं पर्यावरण शिक्षा में समस्या विधि का गुण जो है वो क्या है तो पर्यावरण शिक्षा में समस्या विधि का गुण जो है लक्ष्य केंद्रित विधि या विधि या चयनात्मकता विधि या उपरोक्त सभी क्या आंसर बनेगा भाई ए होगा बी बनेगा या फिर सी बनेगा ठीक है दोस्तों यहाँ पर आंसर बन जाएगा हमारा ए या बी या सी भाई देखो मैं फिर कहना चाहूँगा कि सारे बच्चे बिल्कुल फ्री होकर तैयारी कर रहे हैं एकदम फ्री माइंड से कोई घबराने बात नहीं है आराम से होगा और अच्छे नंबर भी आएंगे तीस में तीस बच्चे लेके आए भी के अंदर तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा भाई देखो समस्या विधि में क्या है यहाँ पर भी होगी समस्या यहाँ पर भी यहाँ पर भी तो उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा भाई डी इज़ द राइट आंसर लगा लीजिए ऑल वेरी गुड बहुत बढ़िया भाई तो पर्यावरण शिक्षा जो है इसमें समस्या समाधान विधि के अंतर्गत खोजकर्ता में सृजनात्मकता का चयन करने की क्षमता लक्ष्य केंद्रित होना चाहिए और अतः पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान में कई सारे गुणों के होने चाहिए इसमें लक्ष्य केंद्रित है सृजनात्मक विधि है चयनात्मक है ये सारे इसके ऑप्शन बन जाएंगे आपके ठीक है भाई प्रेक्षण विधि की सीमाएँ क्या हैं लिमिटेशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन मेथड क्या क्या लगता है आपको कि क्या क्या सीमा हो सकती है ऑब्जर्वेशन की तो यह विधि क्या ऐसी दोस्तों मिथ व्ययी है दिस मेथड इज नॉट अ इकोनॉमिकल या इस विधि में परीक्षण सूक्ष्मता से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध और विश्वसनीय नहीं होते या इस विधि में व्यक्ति के आंतरिक व्यवहारों का अध्ययन संभव नहीं है या उपरोक्त सभी क्या आंसर बनेगा भाई आपका हाँ बताइए ड्रीम गर्ल आर के

ठीक है तो ऑप्शन जो है बी इज द राइट आंसर ठीक है तो देख सकते हो लोग बी ये रहा आपका आंसर और समस्या के चुनाव में परिणाम की वैधता निर्धारित करने के प्रत्येक स्तर इस पर इसकी उपयोगिता संबंधित रहित रहती है ठीक है तो ये पॉइंट आपका पूछा जा सकता है इसलिए बता दिया मैंने आपको चलिए इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है सिंपल सा क्वेश्चन है देखो होता है क्या है क्वेश्चन आप लोगों को दस क्वेश्चन बड़े सिंपल मिलेंगे दोस्तों आप लोगों को दस क्वेश्चन बड़े सिंपल मिलेंगे फिर दस क्वेश्चन थोड़े से हार्ड होते हैं थोड़े से और भाई दस क्वेश्चन लास्ट के जो होते हैं वो अच्छा लेवल होता है और दस क्वेश्चन आपको वो हर तरीके से कोशिश करता है कि बच्चा उसको कर ना पाए लेकिन अगर आपकी तैयारी अच्छी होगी आपका विश्वास अच्छा होगा आपको यकीन होगा अपने ऊपर कि हाँ सर मैं कर सकता हूँ तो दोस्तों तीस में से तीस बच्चे नंबर लेके आए हैं बिहार का नीतीश कुमार का लड़का ही आप लोगों के बीच में से हमने उसको इंटरव्यू कराया था वो तीस नंबर कैसे ले आया यार भयं से लेके आया है से बच्चों का अट्ठाईस और सत्ताईस तो बहुत से बहुत बहुत बच्चों के थे बात समझ रहे आप तो आप भी कर सकते हैं ऐसा नहीं है तो दोस्तों यहां आंसर क्या बनेगा भाई आपका इको सिस्टम की सही परिभाषा क्या है तो जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलन बैलेंस पावर अगर प्रॉपर तरीके से चीजें बेलेंस हैं किस किसके बीच में जीव समुदाय और उसके वातावरण के बीच में तो वो एक्चुअली में सही तरीके का क्या है एक अपना इको सिस्टम होता है ठीक है भाई क्लियर पॉइंट चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे आपको बता चुका हूँ इसके बारे में पढ़ा चुका हूँ इसको मैं ये देखिए आप अब मान लो ये कैसा है भाई कहाँ का इकोसिस्टम है ये बताओ ये किसी फॉरेस्ट का इकोसिस्टम है या किसी आपका डिजर्ट का है या फिर किसी समुद्र का है कहाँ का लग रहा है आपको इकोसिस्टम ये समुद्र का है यहाँ थोड़ी थोड़ी अब देख लो तो बहुत सारे सेवाल प्लांट्स हैं छोटे छोड़ छोटे मछलियाँ हैं अब इनके अनुकूल है यार यहाँ का वातावरण तभी तो ये इसमें जीवित हैं मछली को आप बाहर निकाल दो पानी से मर जाएगी नहीं है उसके वहां पर अनुकूल वातावरण तो ये सबसे बड़ा एक रीजन सबसे बड़ा इफेक्टिव पॉइंट होता है ठीक है भाई मानव विकास के क्रम में दो पैरों पर चलने वाला सबसे बड़ा लाभ क्या था कहते हैं दोस्तों कि पहले मानव भी चार पैरों पर चलता था जैसे आज के डेट में जानवर चलते हैं लेकिन धीरे धीरे विकास होते हुए होता गया उसकी खोपड़ी बहुत बड़ी होती थी और बस सूरत होते थे वैसा पहले इंसान आज जैसी शक्ल है हम लोगों की ऐसी शक्ल नहीं हुआ करती थी जो जबड़ा जब हुआ करता था भाई साहब देखा है बंदर का है ना इससे भी बड़ा हुआ करता था लेकिन बस बुद्धिमान थे इंटेलिजेंट तरीके से होते गए होते गए तो दोस्तों वहीं बताया गया है कि दो पैरों पर चलने ठीक है हमने दो पैरों पर चलना शुरू किया तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा जो मिला है इंसान को वो क्या मिला है ये पूछा गया भाई आपका यहाँ पर तो दोस्तों आंसर क्या बनेगा पहला है शरीर को अच्छी प्रकार से आधार देना या शरीर का बाहर कम होना या हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की ज्ञानुसार कार्य करते हैं या दोस्तों अधिक तेज चाल क्या लग रहा है आपको यहाँ पर क्या आंसर सही बनेगा ए बनेगा बी बनेगा या सी बनेगा तो दोस्तों यहाँ लगाइए फटाफट से सी इज द राइट आंसर स्वतंत्र हाथ स्वतंत्र रूप से क्या होता है मस्तिष्क की हम आज्ञा अनुसार क्या करते हैं फिर कार्य कर सकते हैं इसलिए ऑप्शन जो है सी इज द राइट आंसर भाई कल मैं नहीं आ पाया था कल क्लास नहीं हो पाई थी ठीक है तो इसलिए मैंने आज वहीं से क्लास शुरू किया है जहां मैंने छोड़ा था 2016 वाला आज मैं आप लोगों को प्रीवियस क्वेश्चन करा रहा हूँ यूपी टेट का और ये बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों जो यूपी टेट के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही और सी टेट में भी आप लोगों को बहुत बड़ी मदद मिलने वाली है और सी टेट बहुत जल्द आप लोगों का उसका नोटिफिकेशन दिखने वाला है जुलाई वाला इसके रिगार्डिंग एक वीडियो बना रहे हैं हम लोग ठीक है और आपको चैनल पर मिल जाएगी वो ठीक है भाई आगे बढ़े यहाँ तक क्लियर है तो देखो यरा सी आंसर बने गया मानव विकास क्रम में दो पैरों में चलने वाला मुख्य कारण क्या था कि मानव के हाथ जो है स्वतंत्र हो जाते हैं और वो आसानी से अपने मस्तिष्क के ऑर्डर के अनुसार क्या कर सकता है कार्य कर सकता है और ऐसे कार्य करने से जब भी बात करते दोस्तों तो सभी को बहुत बड़ा फायदा मिलता है जैसे सभी जंतुओं में मानव की तरह दो पैरों पर सीधा खड़ा होकर चलता है जिसका लाभ क्या होता है मनुष्य अधिक तेजी चल पाता है ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन आपके सामने है भूकंप की तीव्रता मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं दे पाएगा ये मैंने नेचुरल डिजास्टर टॉपिक जो पढ़ाया हुआ है उसमें बताया भी हुआ है मैंने भूकंप के बारे में आपको साइक्लोन के बारे में आपको तड़ित बिजली के बारे में ठीक है मैंने सारा पढ़ा दिया है आपका ये जो टॉपिक है ठीक है चलिए तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई देखो अब या तो यहां पर दिया होता रिएक्टर पैमाना वो है नहीं क्या दे रखा है सिस्मोग्राफ दोस्तों आंसर क्या बनेगा आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर लगा दीजिए फटाफट से बी इज द यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा तो देखो भाई भूकंप की तीव्रता मापने के लिए हम सिस्मोग्राफ नामक यंत्र का उपयोग करते हैं और इस पर जीरो से लेकर के नौ तक अंक चिन्हित होते हैं दोस्तों कहते हैं कि अगर आपका भूकंप छ से ऊपर सात या सात से ऊपर जाता है तो वो बहुत ही खतरनाक विनाशकारी हो सकता है इसलिए वहां पर उस रिएक्टर पैमाने पर उसका मेजरमेंट होता है ठीक है प्रत्येक बढ़ता हुआ अंक भूकंप की भरी हुई तीव्रता को क्या करता है प्रदर्शित करता है और अगला अंक पिछले अंक से दस गुना भूकंप की तीव्रता को बताता है आ रही है है बात ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं ये देखिए आप यहाँ पर सिक्स से सिक्स पॉइंट नाइन है तो भाई इमारतों में दरार पड़ सकती है सेवन से सेवन पॉइंट नाइन है जो इमारतें गिरने की कगार पर आ जाएंगी गिर जाएंगी और भैया अगर एट से एट पॉइंट नाइन होता है तो पुल जो होते हैं वो भी गिर सकते हैं और इससे ऊपर है दोस्तों तो फिर तो समझ लो कि तबाही है फिर क्या है तबाही है फिर कुछ नहीं है दोस्तों कुंजन जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपको हमारी क्लास अच्छी लगती हैं और हम बेटा आप लोगों के लिए पहले भी देखो हमने सी टैट दो में हमने प्रूव किया है और हमारे बहुत से बच्चे जो है बहुत अच्छे नंबर लेके आए हैं पास तो मोस्टली हो ही गए हैं लेकिन अच्छे नंबर भी लेके आए हैं और दोस्तों 2023 के अंदर भी आप हमारे ऊपर यकीन रखिए इसीलिए हम लोग यकीन वैसे लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए दोस्तों और उस यकीन को पूरा करेंगे हम लोग कोई चार्ज नहीं ले रहे कोई पैसे नहीं ले रहे आपसे यार बस पढ़ाएंगे आपको दिल से बस पढ़ाएंगे सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है दोस्तों तो भाई सूर्य के निकटतम ग्रह जो है वो मंगल है बृहस्पति है या शुक्र है या बुध है मान लो ये आपके सूर्य बाबा हैं है ना तो भाई सबसे पहले जो ग्रह आता है वो कौन सा आता है बुध आता है उसके बाद फिर आपका शुक्र जाता है फिर आपका मंगल है ये पृथ्वी पहले आता है हैं बताओ भाई पृथ्वी पहले आएगा तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा दोस्तों बुध ग्रह ये रहा ये सबसे कैसा हो जाएगा भाई नजदीक होता है सूर्य बाबा के ठीक है चलिए ये देख सकते हो आप सौर मंडल में सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में अगर देखा जाए तो सबसे पहले बुध ग्रह आता है शुक्र आता है पृथ्वी आती है मंगल आता है बृहस्पति है शनि है अरुण और वरुण ये एक क्रम है सूर्य से बढ़ती हुई दूरी है आपकी ये ठीक है देखो जो बच्चे यहां पर लगातार बने रहेंगे ना दोस्तों एंड तक रहेंगे उनको तो क्लास का फायदा मिलेगा अब जो बच्चे आएंगे चले जाएंगे आए के फिर चले जाएंगे दोस्तों तो मैं कह नहीं सकता इसलिए जितने बच्चे भी ऐसे हैं जो अभी भी टीचर्स अड्डा पे क्लास ले रहे हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सारे बच्चे टेट अड्डा पर लाइव क्लास लिया करो जिससे आप लोगों को अब यहीं पर क्लास मिलेंगी अब हमारी क्लास वहाँ पर नहीं मिलेंगी आपको तो जो बच्चों को नहीं पता है वो सारे बच्चे टेट अड्डा को सब्सक्राइब करते हुए वहाँ पर आप लोग क्लास लाइव अपनी अटेंड कर सकते हैं जिससे उन बच्चों को लॉस किसी तरीके से लॉस ना हो पाए मैंने नहीं चाहता कि किसी बच्चे का एक क्लास भी वहाँ पर ना मिली पाई तबे तो वो यहाँ उनको मिले ना मिल पाए ठीक है थैंक यू रितिका जी शुक्रिया देखो तो भाई ये सौरमंडल है आपका ये बुद्ध हो गया ये सूर्य बाबा है ये बुद्ध ये शुक्र ये पृथ्वी और ये मंगल अच्छा ये जो चार ग्रह हैं इनका इनको हम लोग ठोस ग्रह भी कह सकते हैं और ये जो चार ग्रह हैं ये गैसीय ग्रह के रूप में आते हैं तरीके से तो भाई ये बृहस्पति है शनि है अरुण वरुण ये चार ग्रह आपके अलग हैं इस तरह से इनको हम लोग यहाँ पर देखोगे तो बाहरी ग्रह हैं ये ये आंतरिक ग्रह कह सकते हैं आप इनको ठीक है तो ये सारे के सारे टोटल टोटो दोस्तों आठ ग्रह हैं पहले प्लूटो भी ग्रहों में आता था जब नौ ग्रह थे लेकिन अब प्लूटो प्लूटो जो है वो किस में आता है बौने ग्रह में आता है इसमें इंक्लूड नहीं है आपका चलिए आगे बढ़ते हैं देखो भाई यहां पर सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है बृहस्पति ऐसा भी प्रश्न बन सकता है आपसे सबसे छोटा ग्रह कौन सा दोस्तों तो बुध ग्रह है पृथ्वी का उपग्रह कौन है तो चंद्रमा है सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है बुध ग्रह है जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया अभी है ना सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है दोस्तों तो वरुण है सबसे दूर पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है तो वो शुक्र है ठीक है पृथ्वी के सबसे निकट सबसे चमकीला ग्रह कौन सा दोस्तों भाई अगर पूछे आपसे कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है तो शुक्र ग्रह है ठीक है अगर कोई पूछे आपसे कि भाई ये बताओ सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है जहां पर सबसे ज्यादा अधिक उपग्रह हैं ठीक है थीके? तो भाई वो है जा बृहस्पति आपका सबसे चमकीला तारा कौन सा है तो साइरस जो है वो सबसे चमकीला तारा है सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है तो दो डिमोस है सबसे छोटा उपग्रह जो है सौर मंडल का वो कौन सा है डिमोस ऐसा प्रश्न बन सकता है नीला ग्रह किसे कहा जाता तो जा है तो पृथ्वी को हम नीला ग्रह भी कहते हैं ठीक है भोर का तारा किसे कहा जाता है वीनस शुक्र को भोर का तारा भी कहा जाता है ठीक है यहां पर एक क्वेश्चन ही दोस्तों कम से कम बीस क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट कर दिए मैंने सांझ का तारा भी शुक्र ग्रह को कहते हैं पृथ्वी की बहन भी शुक्र को कहा जाता है पृथ्वी के आकार की होती है हरा ग्रह वरुण ग्रह को वरुण को कहा जाता है विशाल लाल धब्बे वाला ग्रह बृहस्पति को कहते हैं विशाल लाल धब्बे वाला ग्रह किसे कहा जाता है बृहस्पति ग्रह को कहा जाता है ठीक है और सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा दोस्तों तो गैनीमेड सबसे बड़ा उपग्रह ठीक है कौन सा तो गैनी है, है? गैनीमेड और भाई सबसे बाहरी ग्रह कौन सा दोस्तों तो वो बृहस्पति है ये आप सारे पॉइंट अभी लिख लो अपनी कॉपी पे लिख लो ये वाली बात, सारी बात ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है सौर मंडल से पूछे जाने वाले प्रश्न आपको यहां पर इस तरह देखने को मिल जाएंगे देखिए पटाफट से गुंजन सिंधु सर हमारा कमेंट दिख रहा है बिल्कुल सिंधु दिख रहा है कमेंट आपका मुझे टीचर सड्डा पर जो बच्चे लाइव ले रहे हैं उनका नहीं दिख रहा है फिलहाल अभी क्योंकि बहुत छोटा कमेंट आ रहा है लेकिन यहाँ पर जितने बच्चे टेटर अड्डा पर हैं उनके सारे कमेंट दिख रहे हैं मुझे जैसे अंश सिंह हैं या मेरे साथ अभी जितेंद्र ने कमेंट किया है आर के मेघवाल है ठीक कंचन सिंह है सोनी यादव हैं कुमार हैं रूबी प्रशां प्रियांशी प्रतिभा किरण यादव ठीक है और विवेक तो भाई साहब कुछ बात ही अलग है इसकी तो पता नहीं कहाँ क्या है भाई विवेक क्या लिखते रहते हो तो यार तुम तो? है इतना टाइम तो मैं कैसे मिल जाता है लिखने के लिए कमेंट करने को बोला है ना कि आप बहुत सी चीजें लिख देते हो उनकी जरूरत तो नहीं है ठीक है लिख लिया भाई हाँ किरण चौहान आपका भी कमेंट दिख रहा है मेरे को तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं ज़िंदगी में कठिनाई जिंदगी में कठिनाइयाँ आए तो उदास ना होना जिंदगी में कठिनाइयाँ आए तो उदास ना होना क्योंकि कठिन रोल अच्छे एक्टरों को ही दिए जाते हैं कई बार ऐसा दोस्तों होता है कि हम लोग परेशान हो जाते हैं यार सफलता नहीं मिली एक नंबर से रह गया ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं है यार दोबारा निकालेंगे अच्छे नंबर से निकालेंगे ठीक है और आप कर सकते हो ऐसा मुझे पूरा विश्वास है आप कर सकते हैं ऐसा ठीक है भाई आगे बढ़ते हैं गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है राजस्थान में है गुजरात में है या फिर मध्य प्रदेश में है या महाराष्ट्र में है तो बताइए भाई आंसर क्या बनेगा गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहां पर है तो दोस्तों लगा लो आंसर गुजरात ठीक है राजस्थान में तो रणथंबोर और बहुत सारे केवला देव इस तरह के काफी नेशनल पार्क हैं एमपी में तो सबसे ज्यादा नेशनल पार्क हैं और महाराष्ट्र में कौन सा नेशनल पार्क है फेमस बताइए कमेंट करके मेरे को आगे बढ़ते हैं यहां पे देखिए ऑप्शन बी बन गया गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है गुजरात में है देखो भाई ये का शेर बब्बर शेर ठीक निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है दोस्तों कौन सी इसमें से निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है बताइए फटाफट से किरण बताइए चौहान क्या आंसर बनेगा आपका यहां पर तो देखो भाई यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है क्या यह इसकी विशेषता नहीं है या फिर यह प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित है या फिर यह एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है ठीक है या फिर यह विधि विभिन्न सर्वेक्षणों द्वारा अपनाई जाती है बताइए आंसर क्या बनेगा ए होगा या बी बनेगा क्या बच्चे लगा रहे हैं आंसर सी लगा रहे हैं बच्चे कुछ बी लगा रहे हैं प्रॉपर तरीके से शीचल इधर हो रहा है भाई साहब बस एक क्वेश्चन पैटाको आते ही बच्चे कन्फ्यूज होने लगते हैं कोई दिक्कत नहीं है आंसर क्या बनेगा भाई आपका ए बनेगा ध्यान रखिएगा ये कैसा दोस्तों आपका एक मनोवैज्ञानिक विधि है ये इसकी विशेषता नहीं है नॉट पूछा हुआ है पॉजिटिव क्वेश्चन नहीं है नेगेटिव क्वेश्चन है जब भी हम सीटेट में तैयारी करते हैं दोस्तों ना तो ये हमें विशेष रूप से देना पड़ता है कि क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा जा रहा है या नेगेटिव पूछा जा रहा है ठीक है आगे बढ़े चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की की तरफ तो देखो ये विधि विशेषता क्या है यह वर्णात्मक अनुसंधान का प्रमुख साधन है व्यक्तित्व के विशेष गुणों को जितनी अच्छाई है के साथ प्रत्यक्ष प्रणाली से ज्ञात किया जा सकता है ये सारी इसकी विशेषताएं बस वो ही नहीं थी क्वेश्चन नंबर नाइनटीन कहता है इनमें से बहानी ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है भैया ऐसा कौन सा ईंधन है जो कि हम लोग बहानों में यूज करते हैं लेकिन फिर भी पर्यावरण का स्नेही माना जाता है अच्छा माना जाता है तो भाई देखो डीजल हो नहीं सकता पेट्रोल हो नहीं सकता एल है और एक सी है हाँ सी बन जाती है सी गैस जो दोस्तों दे, देखोगे अगर तो आपका एज कंपेयर टू इनके अकॉर्डिंग बहुत ही कम क्या करते दोस्तों पॉल्यूशन करती है ठीक है भाई चलिए आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आंसर बने गया डी सी एन जी इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है भाई अगर मैं देखूँगी आप टीचर अड्डा पर तो आकांक्षा सीमा ईशा ममता वैशाली खुशबू दोस्तों ये आप लोग सारे बच्चे टेटा डाप पर क्यों नहीं आ रहे हो वहाँ पे आकर के अपनी लाइव क्लास लो जिससे कि आप लोगों को बाद में जिस दिन बंद हो जाएगी ना क्लासेस हमारी टीचर अड्डा पर फिर आपको दिक्कत होगी बहुत ढूंढने में दिक्कत होगी चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे पहले से ही क्लास रोज लेते रहोगे दिक्कत नहीं होगी जैसे अब देखो यहाँ पे ना हमारे इस समय लगभग साढ़े तीन सौ सा बच्चे देख रहे हैं मेरे को टेटा ड पर इस समय ठीक है तो यहाँ से अगर वहां पर सारे बच्चे आ जाएंगे तो फिर आप किसी को दिक्कत नहीं होगी हाँ मुझे कमेंट दिख रहे हैं आपका सी एनजी फलफॉर्म क्या होता है कम्प्रेस नेचुरल गैस किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण क्या कहलाता है बताइए भाई अगर किसी बच्चों को दिक्कत आ रही है

मान लो ये क्लास चल रही है ऐसे है ना इस पर देखोगे ये टेट अड्डा की क्लास चल रही है टेट अड्डा पर जैसे क्लास चल रही है यहाँ पर तो देखो यहाँ पे आ रहा होगा भले ही टेटे अड्डा पे आप हो या टीचर अड्डा पर हो यहाँ पर आपको क्लिक करोगे ना आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर इस पर तो इस तरह से आ जाएगा चैनल आपका और यहाँ पर कर लो सब्सक्राइब उसको ये रहा सब्सक्राइब करते ही आपका चैनल क्या हो जाएगा सब्सक्राइब हो जाएगा और फिर आपको कमेंट वहाँ से मिलते रहेंगे सारी क्लासेस ठीक है कर लेना फटाफट से करो इसको एक बार अब भाई अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये था किसी तत्वों का चक्रण क्या कहलाता है जैव भू रासायन चक्र कहलाएगा या भू वैज्ञानिक चक्र या रसायन चक्र तो दोस्तों आंसर लगा लो फटाफट से जैव भू रासायनिक चक्र ऑप्शन ए इज द राइट आंसर जल्दी करते हैं क्वेश्चन ज्यादा करने जल्दी फटाफट से क्वेश्चन पूरा करते हैं ठीक है चिपको आंदोलन के प्रेरता कौन थे बस ऐसे ही क्वेश्चन मिलाएंगे दोस्तों इजी भी होंगे हार्ड भी होंगे लेकिन इजी ज्यादा होते हैं तो भैया देखो हेमवंती नंदन बहुगुड़ा नहीं थे सुंदरलाल बहुगुड़ा थे क्या मदर टेरेसा नहीं थी महात्मा गांधी भी नहीं थे तो बेटा आंसर क्या लगा लो गया बी इज द राइट आंसर चिपको आंदोलन के जो प्रविता थे वो कौन थे सुंदरलाल बहुगुड़ा ठीक है आगे बढ़ते हैं यहाँ पर लोगों ने क्या किया था भाई पेड़ों से चुपक के पेड़ों की रक्षा की थी ठीक है पेड़ को नहीं कटने देंगे कसम खाई थी इन लोगों ने आगे बढ़ते हैं इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति जो होती है वो कैसी होती है पूछा गया है अगर इंसुलिन की बात की जाए तो उनकी रासायनिक प्रकृति विटामिन होती है प्रोटीन है वसा है वसा या दोस्तों कार्बोहाइड्रेट है ठीक है तो क्या आंसर बन जाएगा भाई आपका ऑप्शन बी लगा लो प्रोटीन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ठीक है आगे बढ़ते हैं पौधों में अर्धसूत्र विभाजन होता है ठीक है तो वो मूल शीत से होता है या परागकणों से होता है तनों से या पराकोष से देखो जो पौधे के अंदर आप लोगों को देखोगे मिसोसिस जो होता है वो किससे होता है ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे बताइए आंसर ए बनेगा या बी बनेगा या फिर सी बनेगा दोस्तों लगा लाल आंसर यहाँ पे लग जाएगा आपका डी आंसर यानी पौधों में जो विभाजन है ना वो पराग कोष में होता है जहां परागकण की क्रिया के द्वारा निषेचन की क्रिया संपन्न होती है ठीक है तो ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर डी हो जाएगा तो दोस्तों ये था क्वेश्चन आपका ये है आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन ठीक है तो इस क्वेश्चन को होमवर्क है आप लोगों के लिए इसका आंसर बताइएगा मुझे क्या आंसर रहेगा और सारे बच्चे दोस्तों अभी फिर कहना चाहूंगा जितने बच्चे भी ऐसे हैं जो टीचर पर क्लास ले रहे हैं वो कल से क्या करेंगे दोस्तों हो सकता है कि मेरी क्लास आपको वहां न मिले कहां मिलेगी टेट अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन पर तो उसको सब्सक्राइब कर लेना और उसी पर लाइव होना ठीक है दोस्तों तो बाय बाय टेक केयर thank you jai hind